मैं पार्ट टाइम जॉब क्लीनिंग का करता हूँ। मैंने 8.5 महीने तक एक पार्ट टाइम जॉब किया है, यहाँ की बूट्स नाम की जो कंपनी है उसमें मैं क्लीनिंग का जॉब किया करता था। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसकी पढ़ाई श्योर फॉर श्योर इफेक्ट होगी अगर वो पार्ट टाइम जॉब करता है। हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो हमारे को जितनी, जैसे कि मैंने करीब 7-8 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था और सारी की सारी अम्बा एक्रेडिटेड थी एंड दे वर ऑल टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज। बट द प्रॉब्लम इज कि जब हम लोग उनके प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हैं, प्रॉस्पेक्टस में हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोग 20 घंटे प्रति सप्ताह काम कर सकते हैं, पर यहाँ पर, और तब मेरे को लगा इंडिया में कि ठीक है, जब हम लोग 20 घंटे काम कर सकते हैं तो मैं इतना तो वीकली काम करके अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकाल ही लूंगी। पर यहाँ आने के बाद पता चला कि 1 साल में MBA का कोर्स करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढना और पार्ट टाइम जॉब्स करना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने किया तो सही, पर फिर वो उनके रिजल्ट्स पर ज़रूर इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर रिजल्ट्स अच्छे लाने हैं हम लोगों को तो पार्ट टाइम जॉब्स करना स्पेशली इन MBA कोर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पार्ट टाइम जॉब के लिए ढूंढ रहा था बहुत दिनों तक, नहीं मिला आने के बाद, और यहाँ पर आप ऑड जॉब भी बहुत मुश्किल से मिलती है। पार्ट टाइम यहाँ पे इनिशियली आते ही मिलने का बहुत चांसेस कम है, तो तुमको ढूंढना पड़ेगा, राइट प्लेसेस में जाना पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे मिलते हैं बाय लक बाय फॉर्च्यून, तो भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उनका मेन क्या होता है कि यहाँ पर वो सीखने आते हैं, अपने एजुकेशन के रिलेटेड अगर उनको कोई जॉब मिले तो उनका, उनको सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा और उनका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर जो पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं वो ऑड किस्म के जॉब्स होते हैं, जिसमें कि आपको क्लीनिंग का जॉब मिलता है, कहीं पैकेजिंग का जॉब मिलता है, और वो मेरे ख्याल से टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। छात्रों के जवाबों से मैं असमंजस में पड़ गया हूँ, मगर क्यों समझ में नहीं आ रहा। मैं भी मानता हूँ कि कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, मगर क्या यही भारतीय छात्र जो काम UK में कर रहे हैं इंडिया में करना पसंद करेंगे? शायद नहीं। निश्चित तौर पर UK में हमारी मानसिकता के खिलाफ इसे मजबूरी ही कहा जाएगा। हमें भी कुछ सीखना चाहिए। इंडिया में पढ़ाई के साथ ज्यादातर छात्र कोई भी काम नहीं करते हैं। हाँ, कुछ करते हैं पढ़ाने का, यानी कि ट्यूशन करने का। शायद हमें UK में भारतीय छात्रों की मानसिकता को इंडिया में विकसित करना चाहिए, ताकि पढ़ाई के साथ किसी भी तरह का काम करके कमाना भी सीख सकें। साथ ही विश्वविद्यालयों और कंसल्टेंट्स जो कि भारतीय छात्रों को UK में विश्वविद्यालयों के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, साफ साफ अपने विज्ञापनों और विश्वविद्यालय पुस्तकों में लिखना चाहिए कि किस तरह के पार्ट टाइम काम मिलने की संभावना है। अगर ये कहा जाए कि 20 घंटे प्रति सप्ताह काम का प्रलोभन देकर ज्यादा से ज्यादा भारतीय छात्रों को प्रवेश के लिए आकर्षित करना है तो गलत नहीं होगा। सवालों की श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए मेरा अगला सवाल भारतीय छात्रों से रंगभेद या रेसिज्म के संदर्भ में था। मैंने पूछा कि क्या कभी आपको रेसिज्म महसूस हुआ, या कभी आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है? I've never faced any hostile approach from anybody because I'm from Asian origin, but it's not very friendly. मेरे को कोई ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है अंग्रेजों के बीच में रहते हुए, क्योंकि कहीं भी बाहर जाओ तो ये एक जनरल फीलिंग आती है कि ये हमें लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। समटाइम्स वी डू हैव रेसिस्ट प्रॉब्लम समटाइम्स एज द पीपल आउट हियर, बेसिकली द यंग वंस, द किड्स, दे ऑलवेज लाइक सी अस, कॉल अस पाकी। फ्रेंड को बस स्टैंड छोड़ के आ रहा था, कार में से लड़के मेरे को अंडे मारे, क्यों मारे, किस लिए मारे समझ में नहीं आया मेरे को। हियर वी फाइंड लाइक इट्स लाइक कंप्लीट इनसिक्योर हियर व्हेन पीपल कम एंड throw stones at you or like abusing you, like which you don't know anything about that. यहाँ पे कुछ शुरुआत में और अभी भी हमें कुछ racism का problem हुआ है. Basically वो जो problem है basically uneducated या कुछ एक particular लोगों से, एक class के लोगों से है, वो particular area में जाओ वहाँ पे problem है. मैं उसको रेसिज्म नहीं करूँगा, बहुत diplomatic आउट से द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पे जब डेफिनेटली है, पीपल are less inclined to accept you. Racism, आप कह सकते हैं कि रास्ता चलते कुछ लोग आपको कुछ टूंट कसकर या फिर कुछ गालियाँ देकर निकल जाते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, लेकिन ऐसे जनरली कुछ लोग हेल्पफुल हैं, ये सभी जगह होता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। यहाँ रेसिज्म का प्रॉब्लम है लेकिन ये तो इतना बड़ी रेसिज्म नहीं है, छोटी सी बोल सकते हैं। इतना कभी कभी रास्ते पे जा रहा है तो लड़कों में सताते रहता, लेकिन बच्चों में, लेकिन थोड़ी लोगों को फीलिंग रहता, लेकिन मुझे कभी भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था।
एक दो बार हुआ था लेकिन मैं मैनेज कर लिया, लेकिन मैं थोड़ी दिनों के बाद यहाँ रहने के बाद मैंने सीख लिया कैसे रहना है गोरों के साथ। मुझे एज सच अभी तक ऐसा कोई रेसिज्म का नहीं हुआ है, बट मेरे दोस्तों के साथ एक आध बार हुआ है। कभी कभार आमना सामना तो हो ही जाता है। रेसिज्म का तो जब हर रोज सड़क पे बाहर निकलते हो तब छोटे मोटे किस्से तो होते रहते हैं, लेकिन एक किस्सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। जबकि मेरे को 4-5 गोरों ने पकड़ा था और मेरे से मेरे सारे कार्ड वगैरह छीन लिए थे। सबको एक ही लगती है कि बाहर से लोग आके उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, मगर हम सबको मालूम है कि हम इतने पे करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जस्ट बेहतर है कि उन लोगों को अवॉइड करके आगे निकल जाओ, अपने पढ़ाई करो, अपना जॉब्स कर लो, बस वही है। जब हम कर या कुछ ढूंढ रहे हैं जॉब्स या उस तरह कर लो कि आप जहाँ पे सेफ रह सकते हैं उसी पे करो, मगर ऐसे कभी भी नहीं हो सकते कि एक बार भी नहीं फेस कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि हम बसेस पे चलते हैं तो हमारे साथ ऐसे लोग भी आ सकते हैं तो वो लोग हमको थोड़ा परेशान कर देते हैं, मगर फिर भी जस्ट इग्नोर करना चाहिए और कुछ नहीं कर सकते हम। छात्रों के जवाबों से कोई सुखद एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 21वीं शताब्दी में भी एक विकसित देश में कुछ इस तरह की मानसिकता के भी लोग रहते हैं, इसका तो एहसास हो ही गया। खैर, रंग भेद तो एक छोटा सा भाग है इस डॉक्यूमेंट्री का, जो साइड डॉक्यूमेंट्री को अपने उद्देश्य से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम वापस कुछ मुख्य मुद्दों पर छात्रों के विचार चाहेंगे। निश्चित तौर पर जब एक छात्र यूके में पढ़ाई पर 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो कैरियर के उद्देश्य और खर्च को ध्यान में रखते हुए यूके में जॉब करना चाहेगा या फिर इंडिया में वापस लौटकर ज्यादा सैलरी चाहेगा। जब मैंने छात्रों से पूछा कि यूके में वर्क परमिट यूके की एजुकेशन के बाद मिलना कितना आसान है या कठिन, तो जवाब ज्यादा संतोषजनक तो नहीं मिले। जहाँ तक मुझे मालूम है कंप्यूटिंग में MSc किए हुए लोगों को मैं किसी को यहाँ पे जॉब पे जाते हुए नहीं देखा था, इन द सेंस लाइक वर्क परमिट में या उस तरह का। टिल नाउ द वर्क परमिट गेटिंग वर्क परमिट स्टडी फ्रॉम योर स्टडी आई नेवर सीन पीपल ओके गॉट दैट वन डायरेक्टली, बट आई सीन फ्यू ऑफ देम हु गॉट वर्क परमिट। वर्क परमिट इधर तो अभी कुछ गारंटी नहीं है, कुछ बोलते इधर बहुत सेमिनार्स अटेंड किया हूँ मैं जॉब्स के लिए, हाँ वो बोलते हैं वी आर नॉट श्योर अबाउट वर्क परमिट्स वो बिकॉज यू आर फ्रॉम अदर कंट्रीज, इट विल बी ओनली गारंटेड फॉर द दिस कंट्री सिटीजन्स ओनली। वर्क परमिट लेना थोड़ा मुश्किल ही लगता है क्योंकि इंडियंस आर मच मोर कॉम्पिटेंट देन ब्रिटिशर्स। वर्क परमिट का प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे, दैट्स वाई अभी थोड़ा सा, बट देन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमी जैसे इम्प्रूव होगा उस हिसाब से कंपनीज आर ओपनिंग अप एंड देन eventually what companies also see that international students ka jo quality hai that they can't just compare with the local market, so they are changing, but itna abhi it all depends upon government policies. Jaise abhi IT ke liye they have completely stopped giving work permit to other nationalities. Agar hum jobs ke liye apply bhi karte hain to hum logon ke paas bahut kam इंटरव्यू कॉल्स आते हैं क्योंकि उन लोगों को ब्रिटिश नेशनलिटी के स्टूडेंट्स ही ज़्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के पास वर्क परमिट नहीं होता है। अगर हम लोग वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो सिर्फ एम्प्लॉयर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयर्स बोलते हैं कि तुम लोग वर्क परमिट लेकर आओ, स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि वर्क परमिट लेकर आओ, पर स्टूडेंट्स वर्क परमिट कहाँ से लेकर आएंगे क्योंकि वो एम्प्लॉयर ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इट्स अ चिकन एंड एग क्वेश्चन। यहाँ पे वो जॉब के हिसाब से यूके में मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, नॉट बिकॉज वी कॉन्ट कम्पीट विद दम, बट बिकॉज द इमिग्रेशन पॉलिसी यहाँ पे ऐसे है कि वर्क परमिट मिलने का बहुत मुश्किल होता है। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब हियर, बट इट्स very difficult and it's unlikely that I'll find a good job.